लगता है कि जो भी एसोलेटिक सर्वाइवर्स है ना उनको अपना फेस नहीं ढकना चाहिए जो अटेकर है ना उनको अपना फेस ढकना चाहिए क्योंकि गलत काम उन्होंने किया है हमने तो कुछ नहीं किया मैं अपने हमलावार को पहले से जानती थी तीन दो एक. मेरा कज़न ब्रदर ही था और आ, मतलब वो मेरे से लाइक करता था और मेरे से ट्वेंटी तो टू ईयर्स वो बड़ा था तो मैंने उसको इग्नोर किया तो उसने आ, मेरे ऊपर एसिड अटैक करवा दिया मेरे जीजा जी थे मेरी बहन के हस्बैंड उन्होंने इसके लिए अटैक किया क्योंकि वो मेरी बहन को बहुत ज्यादा मारते सताते पीटते थे हमने उसको घर में लेके आ गए कि हम अब नहीं जाने देंगे उसके बाद अब मेरी बहन का दो बेबी था लड़के को हमने स्कूल में डाल दिया कि लड़का पढ़ेगा वो लड़के को स्कूल में से उठा लिया उसके बाद में हम लोग को बच्चा चाहिए था मेरी बहन बहुत रोती थी बच्चे के लिए हमने उनके ऊपर एक केस कर दिया कि बच्चा हमको चाहिए जिस दिन कोर्ट बच्चा देने वाली थी उस दिन मैं और मेरी बहन एक एग्ज़ाम देने जाने जा रहे थे उन्होंने रास्ते में अटैक किया तो वो क्या आपको करने वाले थे या आपकी बहन को बहन को भी करना चाहते थे मुझे भी मैं सबसे छोटी सबसे लाडली हूँ घर में तो मुझे ही शिकार बनाया था उन्होंने था। कि घर में सब टूट जाएंगे और उन्होंने खासकर मेरे ऊपर ही अटैक किया जिसने मुझ पर अटैक किया वो मुझसे भी थर्टी वो थर्टी टू ईयर का था और मैं एटीन ईयर थी उस वक्त फॉलो करता था छः महीने पहले से एंड मैंने उसको मना किया कि मतलब उसने मुझे बोला मैं आपको आपसे प्यार करता हूँ आपसे शादी करना चाहता हूँ तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैं बहुत छोटी हूँ आपसे और मैं पढ़ती हूँ मुझे शादी नहीं करनी अभी

बेटी थी तो उनको ये लगता था कि अगर ये बड़ी हो जाएगी इनकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ इनको मिल जाएगा अगर मैं इस हाँ इसको मार दूंगी तो सब मेरी बेटी का हो जाएगा लोगों ने मुझे हमले का दोषी ठहराया तीन दो एक किसी ने मेरे को ये बात पे तो ऑप्शन नहीं उठाई कि क्योंकि सब मुझे शुरू से जानते थे और मैं कभी ये चीज़ वो लोग चाहते भी नहीं थे मेरे साथ में हो क्योंकि सब टूट गए थे फैमिली है सोसाइटी है सब की बहुत ज़्यादा उन समय उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मीडिया बाय हर जगह तो ये चीज़ है कि कोई किसी ने नहीं किया ऑप्शन मेरे इंसिडेंट में मुझे ठहराया है सोसाइटी ने भी और रिलेटिव ने भी मतलब इतने हद हाँ तक तो रिलेटिव गिर जाते हैं कि मेरे केस में मेरे रिलेटिव ने मुझे बोला है कि अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवा दीजिए क्योंकि आपकी बेटी की अब तो सूरत खराब होगी कोई शादी नहीं करेगा तो आप इंजेक्शन लगवा दीजिए मर जाएगी तो आपकी इज़्ज़त यहीं रह जाएगी और सोसाइटी ने बाहर जब मैं निकली अटेक के बाद तो मुझे बोला गया कि मतलब क्यों पढ़ना था अठारह साल के हो गए थे क्यों बाहर भेजना था क्यों जीन्स पहननी थी तो सोसाइटी अपने बेटों को तो टीच नहीं करती है कि आप ऐसे चलो ऐसा पहनो लड़कियों को हमेशा टीच करती करा जाता है कि छोटे कपड़े मत पहनो बाहर मत जाओ पढ़ाई मत करो मतलब क्यों लड़कियों को क्यों हमेशा फर्स्ट टाइम मैं गई थी हॉस्पिटल uh, तो फर्स्ट टाइम मैं एक, एक लेडी बैठी थी तो उसने मुझसे पूछा काफ़ी सारी बातें हुई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ तो उस वो मतलब मेरे सामने मेरे मुंह पे मुझे से बोल रही है कि मतलब एक की गलती नहीं होती है मतलब कुछ आपकी भी गलती रही होगी आपने भी कुछ ऐसा किया होगा तब उसने डाला है तो वो चीज़ें मतलब लगी मुझे कि जब खुद के ऊपर पड़ती है तो फिर पता चलता है कि हाँ मेरी क्या गलती है क्या नहीं इंसान को सिर्फ जज करना आता है तो इंसान जज करता है सोसाइटी ने कुछ कहना भी चाहा होगा ना पर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे आगे खड़े रहते थे शुरू के दो महीने जो थे अटैक के बाद तो ऐसा मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं हालांकि मेरे कानों तक वो बात पहुँचती नहीं थी क्योंकि मेरी मदर लॉ उनको आनी नहीं देती थी अगर जो लोग ऐसा बोलते थे वो बाहर ही से हैंडल करती थी उन्हें मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे आगे खड़े रहते कहते कोई कुछ नहीं कहेगा आपको मुझे हमले का डर है इसलिए लगता है क्योंकि जब मतलब मेरी मम्मी मतलब मेरा केस ज्यादा दिन नहीं चला मतलब डेढ़ साल केस चला और मतलब बहुत मतलब फैमिली मैटर था तो किसी ने साथ नहीं दिया मतलब मेरी स्टेप मदर से मुझे डर है उसने क्या किया रात में ढाई दो ढाई का टाइम था पूरे घर में कैरोसिन डाल दिया था मतलब मुझे दोबारा जला के मारने की कोशिश करी और मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो उस समय तो मैं अपनी जान बचा के भागी लेकिन उससे उस वो दिन है और आज का दिन है मतलब शायद बारह साल से ऊपर हो गया मैंने आज तक तो उनकी शकल नहीं दी और शायद मैं उसके सामने जाऊँ तो वो दोबारा कोशिश करेगी मुझे थोड़ा थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि जेल हुआ ढाई साल में मेरे अटैकर को तीन लोगों को उम्र क्या दो दो लोगों को दस दस साल की मतलब गवर्नमेंट के फेलियर देखिए आप सजा हुई उसको उसने हाई कोर्ट में अप्लाई किया मुझे एक नोटिस तक नहीं मिला मुझे आज तक भी नहीं पता है कि वो कब बाहर निकल के आया कैसे उसने अप्लाई किया मेरे को क्यों नहीं पता चला कि मैं उसकी पैरवी करूं कि उसने केस किया तो मेरा भी एक लॉयर वहां होना चाहिए वो तो बाहर आया एक दिन मेरी बड़े पापा की बेटी ने उसको बस में देखा और उसने बताया कि उसका रिएक्शन एकदम ख़राब नहीं था वो एकदम मज़े में है सब कुछ है और उसके मन में एक सेकंड के लिए भी डर नहीं है कि मतलब वो कुछ कर देगा अभी शायद वो बाहर है तो उसको गुस्सा भी हो सकता है कि रितु ने मुझे सजा दिलाई है तो मैं मैं कुछ कर दूंगा पॉइंट ये कि हमें डर है आगे भी हम मतलब हर पल डरते हैं बाहर निकलते से कि हम जॉब के लिए जा रहे हैं कोर्ट कब पता नहीं वो छूटेगा कब पता नहीं वो क्या करेगा और कोर्ट का ये डर रहता है भी नहीं है कि कब हाँ। बाहर आ जाए क्योंकि कोर्ट में भी जब मैं फैशन वीक में चली थी उस समय मेरे पर बहुत सारा ऑप्शन उठाया गया था वो तो मॉडल बन गई वो इंडिया के बाहर शूट कर रही है ये है वो है मैं गई जज के सामने बोली उसका काम था अटैक करना उसने किया मेरा काम था जीना मैं अपनी ज़िंदगी तो नहीं बैठ सकती हूँ मेरी मैं कुछ भी अपने लाइफ में कर सकती हूँ उसको सजा दीजिए जो उसने किया है मैं अपने हमलावर को माफ़ कर सकती हूँ तीन दो एक मतलब मैं तो, मैं तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी माफ़ क्योंकि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं देखा वो भी मतलब मेरी माँ के बराबर ही हैं तो मतलब मैंने अपने माँ बाप का कभी प्यार नहीं पाया चाचा ने मतलब मुझे पाल पोस के बड़ा किया बट मुझे वो प्यार नहीं मिल पाया जो मैं पाना चाहती थी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप भी उनके ऊपर ऐसे डाल दो जो दर्द मैंने झेला है मैं उसको नहीं दे सकती तो मेरा कोई हक नहीं होता उनको सजा देने वाला ऊपर वाला मुझे भी मैं भी इस इनकी बात से अग्री करती हूँ कि मतलब ठीक है उसने कर दिया मैं इंसान हूँ मेरे स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा था मैंने बहुत कंट्रोल सात आठ नौ साल होने वाले मेरे अटैक को पर चीज़ें बदलती गई चेंज होती गई कोर्ट ने उसको मौका दे दिया मैं तो एक इंसान हूँ वो पढ़ लिख के इतना बड़ा जज बना है तो उसने गुड बिहेवियर पे छोड़ दिया तो मैं तो एक इस देश की एक छोटी सी लड़की हूँ कि मैं अपने दिल से उसको माफ़ कर सकती एक मौका दे सकती हूँ ठीक है आप जाओ अगली बार कुछ करता है तो देखेंगे मेरा कजिन बर्दर था Uh, बड़े मम्मी का लड़का था बड़े पापा का तो उसने डाला था तो अभी बड़ी मम्मी अकेले रह रही हैं बड़े पापा नहीं हैं अकेले में बैठ के रोती हैं बातें करती है। मतलब अकेले बैठी रहती हैं तो अकेले कुछ कुछ वो बोला तो वो सारी चीज़ें सोच कर मैं सोचती हूँ कि मतलब माफ़ कर देना चाहिए मैं नहीं सोचती क्योंकि उसने मुझ पर अटैक नहीं किया है मेरी पूरी फैमिली पर किया है लेकिन जब मुझ पर अटैक हुआ मेरी बॉडी सिक्सटी जल के टप टप करके मेल्ट होके गिरी है मेरी स्किन ना मम्मी को रोते हुए देखा है रात दिन अपने भाई बहनों को रोते हुए देखा है अपने पापा को मतलब दर्द से तड़पता हुआ देखा है मैं नहीं माफ़ कर सकती सॉरी मैं भी बिल्कुल नहीं माफ़ कर सकती क्योंकि जब उसने मेरे साथ अटैक किया मेरी बहन थी मैं थी उसने एसिड डाल के वहाँ से भाग के गया हम तड़प रहे थे उस समय उसने ज़रा भी नहीं देखा कि मैं एक भाई तरफ से उनसे बात करती थी उनकी इज्जत करती थी उन्होंने मेरे साथ में ये किया पूरी फैमिली के ऊपर अटैक हो जाता है ये चीज़ के बाद मेरे पापा तो एकदम ही ज़्यादा टूट चुके हैं वो आज भी मुझे देखते हैं मम्मी पापा दोनों रोते हैं मैं अपने दुख को देख के नहीं मैं अपने बच्चे मेरे दो साल का बच्चा था जिसने माँ की गोद नहीं देखी मैंने उसको अपनी गोद में रख के दूध नहीं पिलाया खाना नहीं खिलाया मैं उसके दुख को देख के सोती आज मुझे दिखेगा ना तो मैं तो उसे माफ़ नहीं करूँगी मेरे हादसे के बाद मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया तीन दो एक मेरे साथ तो मतलब मुझे लगता है मेरी माँ ने मुझे दो बार जन्म दिया है एक बार जब मैं पैदा हुई थी जब और दूसरी बार मतलब जब मुझ पर अटैक हुआ मुझे लड़ना सिखाया है मेरी मम्मी ने हमेशा फ़ाइट करना सिखाया है जैसे मुझे लगा ना कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए मेरी मम्मी ने बोला तुझे मरना नहीं है जिसने तुझे पे अटैक किया है ना तुझे कुछ ऐसा अचीव करना है अपनी लाइफ में कि उसे प्रूफ करना है कि तूने कुछ नहीं किया है मेरे साथ मैं इतनी ऊपर जाऊँगी कि उसे शर्म आएगी खुद के ऊपर मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी एसस अटैक सर्वाइवर्स है ना उनको अपना फ़ेस नहीं ढकना चाहिए जो अटैकर है ना उनको अपना फेस ढकना चाहिए क्योंकि गलत काम उन्होंने किया है हमने तो कुछ नहीं किया मतलब जब अटैक हुआ था तो पापा और मम पापा भाई बॉम्बे में थे जब उनको पता चला मेरा अटैक हुआ तो मम्मी तो मुझे देख के एकदम ही बेहोश हो गई थी वहाँ से मुझे इलाहाबाद लेके गए एम्बुलेंस में उस समय मेरी सरकार सरकारी हॉस्पिटल में मेरी इलाज बिल्कुल ठीक से नहीं हो रही थी ठीक से देखा ही नहीं जा रहा था फेस पे एसिड डले हुए सात आठ घंटे हो गए थे तो उन्होंने फेस भी नहीं धुला था मैं बहुत चिल्ला रही थी बहुत रो रही थी फिर मेरी बहन के भी पूरे हाथ पे ऐसिड गिरा हुआ था उसके पूरे कमर पे लेकिन उसने अपना दर्द नहीं देखा मुझे ले लेके हर जगह भाग रही थी उसके बाद में फिर पापा और जब भाई बॉम्बे से गए तो उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मुझे प्राइवेट में एडमिट किया और काफ़ी चीज़ फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही है अभी तक के चाचा जी थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अदरवाइज किसी ने नहीं किया क्योंकि जब खुद की एक माँ शब्द होता है ना दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है उन्होंने ही मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया था तो मतलब सभी लोगों ने यह बोला था कि शायद इसी की गलती होगी तभी इसके साथ ऐसा हुआ बट ऐसा कुछ नहीं था नौकरी मिलना मुश्किल रहा तीन दो एक मैंने तो 2015 से मैं जॉब ढूंढ रही थी जहाँ भी जाती थी इंटरव्यू दे आती थी फिर कई बार मेरा फेस देख के कहते थे ठीक है मैडम कल बताएंगे कई बार कोई वैकेंसी नहीं मिलती थी और कुछ ना कुछ बहाना करके वो ना कर देते थे और घूम फिर के मैं अपने पर ये इसी लिए बात लेती थी कि फेस के फेस की वजह से मुझे जॉब मुझे भी लगता है मैंने कम से कम मतलब बीस अठारह से बीस जगह मुझे रिजेक्शन मिला है जॉब में पर फाइनली मुझे फ़्लिपकार्ट ने अभी जॉब दिया है मैं टीम लीडर हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग गलत हैं बट सारे लोग गलत नहीं हैं तो कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं बट ज़्यादातर लोग रिजेक्ट करते हैं हमारे फेस को देख कर हमारी क्वालिफिकेशन या हमारा काम वो देखना ही नहीं चाहते वो मैं पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं हमारा फ़ेस देखकर तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कितने कैपेबल हैं मुझे इसलिए दिक्कत नहीं हुआ जॉब पाने में क्योंकि सामने से छा फाउंडेशन ने अप्रोच किया और मुझे बोला कि आप यहाँ पे आइए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलवाया उन्होंने शिरोज कैफे खोला और उसमें मुझे सिखाया गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो एनजीओ कर रहा है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि आप ट्रेनिंग दो उसके बाद जॉब दो और मैं लिख के दे सकती कोई एक लड़की ऐसी नहीं होगी जो ट्रेनिंग करके नौकरी ना कर पाए मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ तीन दो एक तो फटाफट जाऊंगी मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं एक फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और हरदम एक फीमेल ही मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है लड़कों से ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है हिम्मत भी होती है पेन सहन करने की ताकत भी होती है और कहते हैं ना कि एक बच्चा पैदा होता है तो 46 सिक्स हड्डी टूटती हैं उतना पेन होता है वो बच्चे मतलब जो लड़का है जो एसिड फेंक रहा है उसको उस एक औरत ने जन्म दिया है तो औरत खुद में ही इतनी स्ट्रोंग है पहली बात और रही बात पेन की कि पेन जब आता है तो सहन करने की हिम्मत कहीं ना कहीं से आई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है फीमेल होना ही मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था तो उससे पहले मैं घर में ही रहती थी मतलब मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी स्कूल से घर घर से स्कूल मतलब मुझे नहीं लगता था कि कि मतलब मैं कभी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी मतलब एकदम सहमी सी क्योंकि हमारे घर में लड़की घर से बाहर नहीं जाती है तो मैं भी ऐसे ही माहौल में पढ़ी बढ़ी हूँ तो अटैक के बाद एक तरह से देखा जाए कुछ मतलब अगर मैंने अपना फेस खोया तो बहुत कुछ पाया है शायद मैंने दस परसेंट खोया है तो नब्बे परसेंट मैंने पाया है जो मैं हिम्मत अब कर पाती हूँ अपनी फैमिली से अच्छे से बात कर पाती हूँ बोल पाती हूँ अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ सकती, सकती हूँ उनसे कह सकती हूँ कि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ यहाँ सही हूँ मैं मतलब उस जगह पर मैं अटल खड़ी हो सकती हूँ मैं लगता है मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी ने इतना इतना रिजेक्शन दिया इतना रिजेक्शन दिया है कि मैं अपने आप में स्ट्रोंग होती गई जब किसी ने चेहरा देख ऐसे मुँह अपना ख़राब किया तो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगा लेकिन मैंने इग्नोर किया इग्नोर करते 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 मुझे लगा मैंने अपने आप को अचीव कर लिया और मैं स्ट्रोंग हो गई एक चीज़ है कि जैसे शुरुआत में अटैक होता है धीरे धीरे हम कुछ करने की कोशिश करते तो हमने हिम्मत आ जाती है जैसे जब मेरे साथ अटैक हुआ था तो मैंने बहुत सुसाइड करने की कोशिश की कि मैं नहीं जीऊँगी लाइफ में क्या है क्या नहीं उसके बाद में फिर जब मेरे को ऑफ़र आया मैंने ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा जिसमें मैंने बताया था कि एसिड बहुत आसानी से मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ उसके थ्रू मुझे न्यू फैशन वीक बुलाया गया जब मैं न्यू फैशन वीक में चली तो वो तो सीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इतना बड़ा स्टेट और पूरी दुनिया देखने वाली थी कि एसिड अटैक क्या होता है और उस समय काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी हिम्मत हुई कि काफ़ी लड़कियां जो नहीं निकलती हैं घर से अपना फेस ढकती हैं कि नहीं मैं लाइफ में कुछ नहीं करना चाहती हूँ तो मैं उनके लिए एक चीज़ बनूंगी कि हाँ मैं अपने लिए नहीं सब लड़कियों के लिए करूँगी थैंक यू सो मच